सभी मेरे भाई जय हिंद। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। आज थोड़ा जो अलग से वीडियो होने वाला है, मोटिवेट सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप एक अलग सी नेगेटिविटी आपके अंदर होती है, अलग सी एक कॉमन में जो ये नेगेटिविटी आ जाती है, तब बंदा हारना तय हो जाता है। चाहे वो जो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या जो एयरफोर्स नेवी या अगर कोई डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको शायद मुझे लगता है कि वीडियो देखना चाहिए आपको। इसमें मैं आपको अपनी रियल पर्सनल जो नहीं खुद जो एक्सपीरियंस किया है मैंने, वह चीज़ बताऊंगा, और खुद मैंने जो कई बार हार का सामना भी किया है वो चीज़ भी आपको बताऊंगा, तो शायद आप अच्छे से मोटिव हो पाओगे। कुछ लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास है जो वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या जो मेरे पास और भी कुछ नहीं है। ऐसे जो बहुत से लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आप खुद भी हो, ऐसे आपके दिमाग में आइडियाज़ आते होंगे, आपको बोलते होंगे लोग ऐसे जो कुछ कोई भी काम को करने से पहले जो आपके अंदर नेगेटिविटी ज़रूर आ जाती होगी। तो मैं मुझे चाहता हूँ कि यार जो बंदे ऐसे जो दिमाग में आइडिया लेके आते हैं उनको एक सच आपको जानना ज़रूरी है, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास कुछ और नहीं है, या धन दौलत या कुछ और चीज़ें मेरे पास नहीं है, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखो, भगवान ने जब यहाँ पर भेजा था, हमारे पास कोई नहीं था, कुछ भी नहीं होता है, खाली होते हैं। और ये जो आप तो यार लकी हो जिनके पास में जो कुछ भी नहीं है ना, और भी लकी हो जो बड़े जो घराने के होते हैं, ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, वो छोटे मोटे कामों को भी नहीं देखते। और जो बंदा गरीब फैमिली में ये जन्म लिया है, तो उसका काम है, उसका जो मेन टारगेट है कि जो उस फैमिली को अच्छे लेवल पे पहुंचाना, चाहे आप हो या हम हो कोई भी हो, लेकिन जिस जिस जगह आपने जन्म लिया है, आपका फर्स्ट कर्तव्य यही होता है कि आपको जिस जगह आपने जो अपने मम्मी पापा ने जहाँ तक जो आप पहुँचाया है, उस फैमिली को वहाँ से उठा के और ऊँचा पहुँचाने की कोशिश करना है। मैटर ये करता है आपको कैसे लेकर जाना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। चाहे आप जो अच्छे तैयारी करो, अच्छे मेहनत करो, और कहीं जो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ, गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, वो अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, कोई भी फील्ड हो, सभी को जो सेम रखा है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना क्या चाहिए क्या नहीं। कुछ आपके जैसे लोग और हम जैसे लोग यही सोचते हैं कि यार कोई भी काम को करने से पहले ये दिमाग में एक नेगेटिविटी आ जाती है। मैंने जब ये जो अपनी छोटी मोटी जो शॉप ओपन की थी, मुझे भी ये चीज़ लगी थी यार कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो 100% तो जो धीरे धीरे जो सब चीज़ें अवेलेबल होने लगी मुझे, और जो सब चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ भी काम को करने के लिए एक अंदर से मजबूत होना ज़रूरी है। कोई और सपोर्ट दे ना दे, लेकिन आपके अंदर की दिल की आवाज़ ज़रूर आप ध्यान में रखना। 2017 की मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने जो जब मेरी एकेडमी ओपन की थी, सत्यम डिफेंस एकेडमी, आप नाम से जो बहुत से बंदे पहले जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, जब हमने जो डिफेंस ओपन की थी, मैंने खुद अकेला बंदा ही था, टीचर भी मैं खुद ही था, सब खुद जो मैंने जो मैनेजमेंट किया, सब जो पैसों की जो भी है खुद हमने लगाया था, कोई और बंदा कोई पार्टनर या कोई है जो और नहीं था। 17 से हमने जो 18 था जो 6 महीने के आसपास या जो उससे ज़्यादा भी हमने चलाई थी, चली भी थी, लेकिन हमने किसी से बंदे से पैसे नहीं लिए, जो हमारे पास था वो ही हमने लगाया, और जो बंदे आ रहे थे उनसे ठीक है वो लगाएं, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, देखो जब मैं अंदर से मुझे ऐसा लगने लगा यार, जो 2-3 बच्चे आते थे और जो ऐसा लगा, मुझे लग रहा था कि यार कहीं ये एक शायद कामयाब होने का एक सही है डायरेक्शन नहीं है, शायद मुझे ऐसा लग रहा था। बहुत सी ट्राई की मैंने, बहुत से जो प्रचार किया अकेडमी का, बहुत सब चीज़ें जो की, लेकिन कामयाबी मुश्किल नहीं पड़ी, ऐसा लग नहीं रहा था अंदर से कि जो शायद मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगा। अंदर से जब जो मैं अंदर से बिल्कुल ही टूट चुका था, तब मुझे ऐसा बिल्कुल अब लग रहा था यार अभी अकेडमी बंद कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगा। और जो बाकी जो पब्लिक का भी रिस्पांस और जो बच्चों का भी रिस्पांस देखा जाता है, वो सब चीज़ें हमने नोट की, सब चीज़ देखा, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिल पाया था, इसलिए हमने क्लोज कर दी। इसके बाद हुआ क्या कि जो हमने क्लोज की, उसके बाद में जो हमने 2018 या 19 के आसपास हमने जो जयपुर में भी अकेडमी ओपन कराई, पार्टनरशिप पर कराई, फिर वो जो धीरे धीरे जो सेटअप होने लगे, लेकिन जो ऐसे एकदम कोई चीज़ को जो रिस्पांस जो है किसी चीज़ को इसी फील्ड में घुसे और जो सक्सेस हो, ऐसा भी नहीं होगा। धीरे धीरे कुछ भी काम कर रहे हो तो यार वो धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ेगा। और जब जो सक्सेस वहाँ पर भी मुझे नहीं दिखने लगा, और पार्टनरशिप में और जो सही है जो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था मुझे, तो शायद मुझे लगा कि यार जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पहले से जो और भी हारा हूँ और भी जो अंदर से मजबूत नहीं हूँ, फिर मैंने वो भी जो काम छोड़ दिया। फिर जो हमारे जो साथ वाले जो एक कुमार सिंह से कहावत हैं,
उनके साथ हमने जो पार्टनरशिप की और उनके साथ भी अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे वर्क कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये जो मुझे अंदर से पहले से जो हारा हुआ था, अंदर से जो बिल्कुल कमज़ोर था, उस वजह से मैंने जो ये चीज़ और भी मुझे लग रहा यार कहीं ना कहीं मैं गलत डायरेक्शन जा रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा था ऐसे। और भी जो घर की ये जो कंडीशन को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए यार मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा कि जो अभी ये नाम ही बंद कर देना चाहिए मुझे। तो इसीलिए हमने ये जो चैनल का नाम भी हमने हटा दिया था और ख़त्म कर दिया था। फिर जो हमने राजस्थान वाला ये चैनल नाम रखा था, इसीलिए मैं देखो कोई भी चीज़ हो यार एकदम कोई चीज़ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो जो उस फील्ड को छोड़ के दूसरा फील्ड भी अपनाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि जो उसी में लगे रहो। बाय चांस हो सकता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में दीवारें होती हैं, जो दीवार में तो ड्रिल वाले होते हैं या जो छेद वाले करने वाले होते हैं, जो फिटिंग वाले होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं स्पेशली, ड्रिल एक दीवार में जा रहा है वहाँ पे नहीं हो रहा है, पत्थर आ चुका है, फिर भी ये जो लगे रहे हो बिट टूट जाएगा, जो आगे के जो ड्रिल का होता है वो टूट जाएगा। यदि उसी ड्रिल को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमने एक ड्रिल किया होता तो ना तो बिट टूटता ना कुछ, और सीधा ड्रिल हो जाता। तो यही चीज़ मैं आपको अपनाना चाहूँगा। देखो जो भी आप सेक्टर में, जिस सेक्टर में कर रहे हो, थोड़ा अलग, यानी जो उस सेक्टर को छोड़ के थोड़ा अलग डायरेक्शन लो, हो सकता है कि जो अच्छे से आपको रिजल्ट मिले, अच्छे से रिस्पॉन्स मिले, अच्छे से कामयाब मिल जाए। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कहने वाले हजारों हैं, जो कहने वाले हैं वो करते रहेंगे, पर आपको सोचना ये जो आपको अंदर से जो मजबूत होना चाहिए कि जो हाँ मुझे वो कर रहा हूँ तो वो 100% मुझे एक सक्सेस की ओर बढ़ेगा, आपको अंदर से लगना ज़रूरी है। तभी साथ देखो कोई नहीं दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके अंदर से मजबूत होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए कि मुझे वो जो कर रहा हूँ मैं वो एकदम सही है और कामयाबी मुझे मिलेगी, तभी उसी काम को लगे रहो। बाकी अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्टेप छोड़ के या थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करके अपनाना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं जो सेटअप हो जाओ। वही चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो मैंने जो सब तैयारियाँ की, सब कुछ किया, पर जब कामयाबी मुझे मिली नहीं और जो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था, मैंने जो वो डिफेंस क्लोज कर दी और उस सेक्टर को ही हमने छोड़ दिया, उससे जो फील्ड से ही हम हट चुके हैं। अब है जो फिलहाल जो मैंने शॉप ओपन कर रखी है, यहाँ पर भी ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। वही चीज़ बस यार थोड़ा बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्वाइव करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही बैठे रहोगे तो थैले जो लगोगे और अच्छा सा नहीं लगता है। वही चीज़ कुछ कर रहे हो तो करते रहो, और यदि जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इस सेक्टर में अभी कोई मतलब नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा सेक्टर को, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ या जो थोड़ा पीछे हो उसके बाद में देखो, यानी जो आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को छोड़ के थोड़ा दूसरा करना चाहिए, तो शायद कहीं कहीं जो उसमें सेटअप हो जाओ। इसी प्रकार मैं आपको वही चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे वो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, या जो आप एयर फोर्स नेवी जिस भी में आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा आप राजस्थान पुलिस की करते रहो, उसी फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड को भी एक बार ट्राई करो, समझ गए। अभी जो मैं आपको आज की बताता हूँ, मेरा जो साथ वाला जो बंदा था वो राजस्थान पुलिस में जो लगे हुए 2 साल हो चुके हैं उसको भी, और अभी उसकी सैलरी लगभग कुछ 30-40 के आसपास हो चुके हैं। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो वो आज भी, उसका कल है जो परसों एग्ज़ाम होने वाला पटवारी का, वो उस एग्ज़ाम को देने के भी गया, वो भी जो लग गया नौकरी, लेकिन फिर भी है जो वो एक उसके अंदर अलग सी फीलिंग है कि जो यार उस सेक्टर को छोड़ के और भी उससे अच्छे में चले जाएँ। तो इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो कोई भी काम कर रहे हो उस काम को जो एक छोड़ो दूसरे छोड़ो ऐसे जो मत करो, एक सही डायरेक्शन है आपका तो तब आपको लग रहा है कामयाबी है जो मिलने वाली है मुझे और कामयाब होने वाला हूँ, तब उसी सेक्टर को पकड़े रहो। और यदि आपको नहीं लग रहा है, मैंने कई सालों से तैयारी की कुछ किया लेकिन अब रिस्पॉन्स सही नहीं दिख रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोड़ के आपको अलग सेक्टर को थोड़ा सा अपनाना चाहिए, तो शायद आपको लग जाए कि हाँ मुझे इस फील्ड में अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो वही अपनाओ, बेस्ट रिस्पॉन्स या बेस्ट एक ऑप्शन रहेगा, मेरा यही सजेशन है आपको। देखो हमने भी जो बहुत सी जो ट्राई की, बहुत सब चीज़ की है, लेकिन जो ये चीज़ मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी लोग तो कहेंगे वो जिस काम में लगे रहो, पर इतने भी अंधे मत हो जाओ कि सब चीज़ें जो यार ख़त्म होती रहें, फिर जो आपको समझ में नहीं आए कि आगे क्या करना है, फिर जो बंदे गलत डायरेक्शन पर चले जाते हैं, अब हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करें। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यार कोई भी दिक्कत नहीं है, जो काम कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन थोड़ा सा सेक्टर को छोड़ के
एक सेक्टर दूसरा और पकड़ना चाहिए, जिससे जो आपका अच्छा से रिस्पॉन्स मिले, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे कामयाबी इसमें मिल सकती है, तो उसी सेक्टर को पकड़े रहो। बस यही कहना चाहूँगा मैं आपको। आई होप कि एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे अच्छे से कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूँ, अच्छी कुछ बातें हैं जो आपको बता सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।